मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, इसमें आप पढ़ रहे थे डिसीज यानी कि रोग, और रोग में हमने आपको पढ़ा रहे थे जीवाणु जनित रोग जो जीवाणुओं के द्वारा फैलते हैं। इसमें हमने आपको पिछली क्लास में काली खांसी या कुकर खांसी के बारे में बताया था, तथा हमने डिप्थीरिया रोग का भी एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम आपको एक नए रोग के बारे में बताएंगे जो जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। उस रोग का नाम है तपेदिक या क्षय रोग, जिसे आम भाषा में लोग टीबी कहते हैं। सभी जानते हैं कि टीबी क्या होता है। ये संक्रमण से फैलता है, जब बैक्टीरिया, जब टीबी का मरीज यानी कि इस संक्रमक मरीज किसी व्यक्ति के सामने छींकता या खांसता है तो उसकी नाक से निकले हुए बिंदुकण दूसरे व्यक्ति के नाक में प्रवेश कर जाते हैं और उसके श्वसन क्रिया के द्वारा उसके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और यह रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो लिखेंगे तपेदिक या क्षय रोग, तपेदिक या क्षय रोग। क्षय का मतलब होता है शरीर का नुकसान होना, शरीर का क्षय हो जाना। क्षय का मतलब ये नहीं कि सिक्स भागों में बढ़ गया शरीर, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने लगा, उसे क्षति पहुंचने लगी। और जो उसका बैक्टीरिया, इसका नाम है ट्यूबर कुलोसिस और टीबी। ट्यूबर कुलोसिस अथवा टीबी, जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो लिखेंगे यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षणाकार जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षणाकार जीवाणु से फैलता है। हेडिंग डालेंगे संक्रमण, यानी कि इन्फेक्शन, संक्रमण। लिखेंगे इस रोग का संक्रमण, इस रोग का संक्रमण जीवाणु का रोगी के थूक, इस रोग का संक्रमण जीवाणु के थूक कौमा खांसी छींक तथा भोजन वह जल तथा वायु के माध्यम से फैलता है। बच्चों, क्या लिखा आपने कि इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक खांसी उसके छींकने उसके साथ खाने उसका जूठा पानी पीने वह वायु के माध्यम से फैलता है। जीवाणु सामान्यतः फेफड़ों पर आक्रमण करता है, तथा कभी कभी यह शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करता है जिसमें मस्तिष्क भी शामिल है, तो बच्चों देखिए, जब यह रोग कैसे होता है, यह रोग एकदम पहले साधारण जुकाम से हो जाता है, जिसे हम लोग बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं, आसानी से नहीं लेते। लेकिन ये जब वायरस हमारे शरीर, जीवाणु जब हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमें जुकाम होता है, खांसी आती है, और जब फिर खांसी लगातार बनी रहती है
यानी कि 2 सप्ताह खांसी आने के बाद हमें तुरंत खांसी का तुरंत अपने बलगम का चेकअप करवाना चाहिए, कहीं हमारे शरीर में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु तो नहीं आ गया। और अगर आप ये नहीं चेक कराते हैं तो आपकी खांसी आती रहेगी और खांसी के साथ साथ उसके साथ रक्त भी आने लगता है, फिर धीरे धीरे फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और शरीर नष्ट होता जाता है, शरीर में कमजोरी आती जाती है और धीरे धीरे रोगी की मृत्यु हो जाती है। बच्चों, पहले टीबी एक लाइलाज था, यानी कि टीबी की कोई भी मेडिसिन नहीं उपलब्ध थी। लोगों को जिसको टीबी हो जाता था वह सीधे मृत्यु को प्राप्त होता था, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारी औषधियों का निर्माण कर लिया है, वैक्सीन्स का निर्माण कर लिया है और बहुत सारे असाध्य रोगों में विजय भी पा ली है। टीबी एक ऐसा खतरनाक रोग है जिससे शरीर भी कमज़ोर होता है, फेफड़े भी कमज़ोर होते हैं और धीरे धीरे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। टीबी भी कई प्रकार की होती है, यदि आप इसका इलाज शुरुआत में कराएं तो हो सकता है आपका 1 या 2 महीने में ट्रीटमेंट में आप ठीक हो जाएं। इसका इलाज 6 महीने तथा 9 महीने भी चलता है, जिसमें इस इलाज के दौरान रोगी को प्रतिदिन दवा लेना आवश्यक होता है नियमित रूप से। यदि एक दिन भी दवा छूटती है तो उसे फिर से गिननी पड़ती है, यानी कि वह जो जीवाणु उत्पन्न है शरीर में वह फिर हावी हो जाते हैं। यदि आपका कोर्स 90 डेज का है और आपने 70 डेज मेडिसिन ले ली और 71 डेज आप उसे भूल गए तो आपको फिर 1 डेज से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये थे इसके संक्रमण, अब हम आपको बताएंगे इसके लक्षण। तो हेडिंग डालेंगे लक्षण में लिखेंगे, यानी कि इसमें शरीर में किस प्रकार के हमें लक्षण दिखाई देंगे जिससे हमें ये ज्ञात हो जाए इसे टीबी। तो लिखेंगे क्षय रोग से ग्रस्त रोगी शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, तथा उसके शरीर के वजन में कमी कमा ज्वर बना रहना यानी कि बुखार बना रहना कमा लगातार खांसी आना रुधिर युक्त बलगम आना सीने में दर्द होना आदि टीबी रोग के लक्षण हैं। ये जीवाणु फेफड़ों से कैल्शियम लबड़ों की गुलिकाएं बना लेते हैं। ये जीवाणु फेफड़ों से कैल्शियम लबड़ों की गुलिकाएं बना लेते हैं जिससे फेफड़े के ऊतक नष्ट हो जाते हैं और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये थे इसके लक्षण। अब आप हेडिंग डालेंगे रोकथाम एवं उपचार। लिखेंगे, देखिए रोकथाम एवं उपचार के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना होगा। कोई भी
रोग डिसीज जब भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जब हमारा शरीर स्वच्छ ना हो या हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ ना हो, जब ही क्या है कोई भी रोग हमें ग्रसित कर सकता है। तो नंबर एक लिखेंगे, हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए एवं दूसरा पॉइंट लिखेंगे, घरों के कमरों को स्वच्छ रखना चाहिए, घरों के कमरों को स्वच्छ रखना चाहिए व उनमें वायु और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए देखिए इन्होंने ये जो बताया है कि आपका घर कैसा बना, एक सुरंग की भांति, तो उसमें तो ना तो वायु प्रवेश करेगी और ना ही सूर्य का प्रकाश जाए, तो हमें घर ऐसा बनवाना चाहिए जिसमें सूर्य की किरणें आसानी से अंदर आ जा सके और जिसमें हवा वायु भी प्रवेश कर सके। और क्षय रोगी के लिए सूर्य बहुत आवश्यक होता है क्योंकि सूर्य में विटामिन डी पाई जाती है, तो इस रोगी को जब सूर्य निकल रहा हो उसके सामने 5 मिनट अवश्य बैठना चाहिए, धूप के समय उसे नहीं बैठना चाहिए, सूर्य निकलते समय उसे 5 मिनट सूर्य के सामने बैठना चाहिए। नंबर सेकंड लिखेंगे, स्वस्थ मनुष्य को रोगी के संपर्क से दूर रहना चाहिए, स्वस्थ मनुष्य को रोगी के संपर्क से बचना चाहिए। नंबर थ्री, रोगी के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर फोर, बच्चों को बीसीजी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। नंबर फाइव, डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिड दवाएं लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिड व अन्य दवाएं लेनी चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके रोकथाम एवं उपचार, इसके टीबी के, तो टीबी रोग कैसा है, एक बहुत ही खतरनाक रोग है जिसमें जागरूकता भी बहुत आवश्यक होती है। यदि हम टीबी रोग के बारे में जानते हैं तो इससे हमें भी बचाव होगा और हम दूसरों को बता सकते हैं और जिससे वो भी इस रोग से बच सकते हैं। तो आज ये आपका था टीबी रोग। अगले क्लास में हम आपको बताएंगे मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी कि जो मृदा से उत्पन्न होते हैं, यानी कि मिट्टी में जो उपस्थित जीवाणु रहते हैं जिनके द्वारा रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इसे पढ़ लीजिए।